है पल्स 24 में। मैं हूँ आपके साथ कनिका यादव। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। दिनांक 21 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर समरता गोडा श्रीमती समिता टोप की अध्यक्षता में जन मृत्यु के शत प्रतिशत निबंधन को लेकर समीक्षा बैठक की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बताया गया कि जिले में आगामी 14 जुलाई से 14 अगस्त तक जन्म मृत्यु पंजीकरण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान को लेकर संबंधित प्रखंडों के प्रखंड विकास पद अधिकारी के निर्देश दिए गए कि अपने अपने प्रखंडों में टैक्स फार्म का गठन कर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के निबंधन प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। इस निबंधन को लेकर जानकारी दी गई कि जन्म प्रमाण पत्र जन्म का प्रमाणिक दस्तावेज है। स्कूल में दाखिले, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट आदि बनाने में ही उपयोगी है। मृत्यु प्रमाण पत्र की तारीख का प्रमाणिक दस्तावेज है। छूटे हुए जन्म मृत्यु शत प्रतिशत निबंधन के लिए विश्व अभियान प्रखंड स्तर पर चलाया जा रहा है। अभियान को सफल बनाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाकर आमजनों को जन्म मृत्यु के निबंधन के बारे में जागरूक किया जाए ताकि अधिक से अधिक संख्या में निबंधन किया जा सके। इस कार्य में जन्म मृत्यु निबंधन से जुड़े निबंधकों को आंगनवाड़ी सेविका सहिया सरकारी विद्यालय के प्रधान अध्यापक व अन्य संबंधित पदाधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। शून्य से पांच वर्ष के अधिक बच्चों की उम्र जिनका अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पाया है वैसे बच्चों की सूची विद्यालय के प्रचार द्वारा उपलब्ध कराई जाए ताकि आधार पर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनाया जा सके। शून्य से पांच वर्ष के युवा के बच्चों का संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र से पंजीकृत बच्चों का सर्वेक्षण कर उनकी सूची तैयार की जाए। अपंजीकृत बच्चों का जन्म घर में हुआ या आंगनवाड़ी क्षेत्र के अंदर निजी स्थाने में हुआ हो सभी बच्चों को आंगनवाड़ी कार्यकर AMN और स्कूल के प्रधान अध्यापक फॉर्म 1 भरने हेतु तथा संबंधित लाभुक अभिभावक से स्व घोषित शपथ पत्र व आधार कार्ड की छायाचित्री न होने पर वोटर आईडी कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस से प्राप्त कर प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवश्यक जांच प्रतिवेदन दर्ज करेंगे। बैठक में जिला आयोजन पदाधिकारी गोडा श्री राज शर्मा संबंधित प्रखंडों के प्रखंड विकास पद अधिकारी सहित अन्य पद अधिकारीगण मौजूद थे।